भोपाल के आचारपुरा क्षेत्र में नॉन वुमन फैब्रिक यूनिट के लिए भूमि पूजन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के वैश्विक स्तर पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश भी विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर कृषि, औद्योगिकीकरण और रोजगार के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करना है और इसके लिए सार्थक प्रयास जारी है। आज का भूमि पूजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि आचारपुरा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए वहां पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इंडस्ट्रीज समिट का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन और जबलपुर में पहले ही समिट आयोजित की जा चुकी है और जल्द ही ग्वालियर, रीवा, सागर जैसे अन्य क्षेत्रों में भी आयोजन होगा। इन समिट्स का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित करना और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक औद्योगिक गतिविधियों से करीब 75,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। TWE OBT प्राइवेट लिमिटेड, जो नॉन वुमन फैब्रिक और अन्य उत्पादों में विश्व की शीर्ष कंपनियों में से एक है, ने नेपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में अपनी यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है। इस यूनिट के माध्यम से नॉन वुमन हाइजीन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही किया जाएगा, जो वर्तमान में चीन से आयात होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यूनिट के संचालन से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और 250 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह यूनिट 126 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार ने 38,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है। उम्मीद है कि सितंबर 2025 तक वाणिज्य उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस पहल ने न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी कौशल का विकास भी होगा।